फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और सर्दियों में हर किसी को धूप सेकना बहुत पसंद है और धूप सेकना ज़रूरी भी है, लेकिन गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में सनरेज के एंगल की वजह से रेडिएशन ज़्यादा होता है और इस कंडीशन में अगर हम धूप में ज़्यादा देर बैठते हैं तो यह हमारे स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है, हमारे स्किन पर टैन हो सकता है और हमारी त्वचा झुलस सकती है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम सर्दियों में धूप में भी बैठे और हम टैन से भी बचे रहे? तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक होम रेमेडी, जिसका इस्तेमाल हमारे स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगा और टैन से भी बचाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या लेना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए मैंने लिया है गुड़हल का फूल, देन मैंने इसको ग्राइंडर में डाला है, फिर मैंने इसमें ऐड किया है केला, फिर कच्चा दूध लगभग 1 चम्मच, इसके बाद शहद लगभग 1 चम्मच। अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। मैंने लिया है गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल में मौजूद पोषक तत्व हमारे स्किन को सन के यूवी रेज से बचाता है, टैन को रिमूव करता है और हमारे स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। मैंने लिया है केला। केला हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ड्राइनेस से बचाता है। मैंने लिया है कच्चा दूध। कच्चा दूध हमारे स्किन के लिए सर्दियों में वरदान है। इसका इस्तेमाल हमारे स्किन को क्लीन करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, सॉफ्ट बनाता है और फेयर बनाता है। मैंने लिया है शहद। शहद हमारे स्किन के लिए नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है और फेयर बनाता है और दाग धब्बे को भी रिमूव करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसको आपको अपने चेहरे पर, गर्दन पर और हाथों पर लगाना है और लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लेना है। देन इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर अपने चेहरे पर लगा लें, अपने स्किन पर लगा लें। अगर आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आप सर्दियों में टैन से बचे रहेंगे, साथ ही यह आपके स्किन को सॉफ्ट बनाएगा और फेयर बनाएगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। Thank you for watching my video. Thank you for supporting me. Love you, my all subscriber, my all viewer. Bye bye.